हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ कंटिन्यूशन वीडियो ऑन मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रल वैल्यू, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेंट्रल वैल्यू। देन वी हैव डिस्कस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू, दैट इज़ एवरेजेस, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड ओनली वन टाइप ऑफ एवरेज, दैट इज़ अर्थमेटिक मीन। And so this is a, as you know very well, that arithmetic mean, that is the most common average that we use in the daily basis. So now let's move on to our next type of average or center value, that is median. सी, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि इन दिस पेपर द एग्जामिनर बेसिकली आस्क द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। द थिंग इज दैट ऑन दोज प्रॉब्लम्स यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ एवरेजेस वुड बी एप्लीकेबल ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो यू नीड टू क्लियर ऑल योर फंडामेंटल और ऑल योर बेसिक्स वेरी वेल। अब समझते हैं व्हाट इज मीडियन। सी, अगर हम मीडियम को समझें, सो मीडियम को हम एक टर्म से भी इसको हम पहचानते हैं। मीडियम इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज पोजिशनल एवरेज। अभी हमने जो इससे पहले जो हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ी थी, ठीक है, वो एक सिंपल अर्थमेटिक एक हम एवरेज निकालते थे, ठीक है, और उसको हम एक स्टैटिस्टिकल एवरेज बोलते थे। But now we are basically studying median, which is also known as positional average. Positional average क्या कहता है basically? Suppose a series, suppose 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So median क्या कहता है? That means the middle value of the series. मीडियन क्या करता है बेसिकली, कोई भी एक सीरीज होती है उसको वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, फर्स्ट 50 एंड देन नेक्स्ट 50। लाइक सपोज इफ आई आस्क व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस सीरीज, जो मैंने यहाँ सीरीज लिखी है, इस सीरीज का जो है मीडियन क्या होगा? सो मिडिल वैल्यू वुड बी दैट इज 5, ठीक है। सो 5 कैसा आया? 5 आया कैसे? मैंने जैसा मीडियन जैसा भी मैंने बोला, जैसे सपोज देर इज अ सीरीज, ओके, सो वो सीरीज को मीडियन क्या करता है बेसिकली, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ, एंड दिस वुड बी द मीडियन। सो इसमें होता है क्या बेसिकली, जो भी एक जो पोजिशनल एवरेज जो आती है, यानी कि हम जो मीडियन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन। पोजिशन कैसे निकालते हैं? With the help of that is positional average में, that means the middle value of the series, that is the positional value, okay? Like जैसे मैंने देखो ये series लिखी है, ठीक है, अब इसमें हम पोजिशन एवरेज देखें, दैट मीन्स जो देखिए यहाँ पर पोजिशन, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, सो ये क्या है आपकी, दैट इज द थर्ड पोजिशन। दैट मीन्स इन द मीडियन वी कैलकुलेट एवरेज विद द हेल्प ऑफ पोजिशन। That means we always need to find out what would be the average position. अगर average position निकाल ली तो median तो automatically निकल आएगा, okay? अब जैसे देखिए जो first half term है वो क्या होगी, वो इस median term से कम होगी, ठीक है, ये less than median होगा, and ये जो term होगी ये more than median होगा, ठीक है। So this is the positional average, okay? अब आपको बताते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बेसिकली वी ऑलवेज हैव थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड द कंटिन्यूस सीरीज, एंड इन ऑल दीज थ्री सीरीज वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन बाय डिफरेंट मेथड इन द सेंस वी हैव डिफरेंट कैलकुलेशंस, अलग अलग फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज।
देखिए इंडिविजुअल सीरीज में हमारे एक्चुअली दो फॉर्म लगते हैं। क्यों? बिकॉज डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल सीरीज के भी दो पार्ट होते हैं। दैट मीन्स वेदर वी हैव सीरीज लाइक इन ऑड नंबर और इन इवन नंबर। कैसे? सपोज इफ आई राइट एनी सीरीज, सपोज 10, 11, 12, 13, 14, ये मैंने सीरीज लिखी, ठीक है। अब इस सीरीज में आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ऑड नंबर में क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, दैट इज एन, उसमें वन ऐड करो एंड देन उनको डिवाइड कर दो, तो जो टर्म आएगी दैट इज कॉल्ड पोजिशन, वो आपके पे एक पोजिशन पोजिशन एवरेज आ जाएगी। इसको टर्म भी बोल सकते हो या फिर आइटम भी बोल सकते हो। दैट मीन्स हमें कौन से आइटम पे जाना है, ठीक है। जैसे देखिए अगर मैं इसमें आपका इस सीरीज में अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, देखिए एन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज फाइव प्लस वन डिवाइड बाई टू आइटम, विच आइटम, दैट इज थर्ड आइटम। थर्ड आइटम वुड बी दी पोजिशनल एवरेज, दैट इज 12। सो दैट मीन्स इन द केस ऑफ आवर नंबर वी हैव अ फॉर्मूला, दैट इज एन वन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू आइटम। ओके, वो क्या रहेगा आपका मीडियन। नाउ कम टू द इवन नंबर। देखिए इवन नंबर में सपोज जैसे मान लीजिए मैं कोई भी सीरीज देख रहा हूँ, सपोज मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब यहाँ पर एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, दैट इज 6। अब अगर हम यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करें सेम फॉर्मूला, तो देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आइटम, दैट इज 7 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3.5। अब बताओ 3.5 पोजिशन तो कोई है ही नहीं, 3.5 पोजिशन तो कोई है ही नहीं। तो इसमें क्या करना है बेसिकली, आपको जब भी ओड इवन नंबर आए तो हम क्या करेंगे, मिडिल टू वैल्यूज लेंगे, मिडिल टू वैल्यूज लेंगे। जैसे देखिए मिडिल टू वैल्यूज, दैट इज 12 एंड 13, 12 एंड 13, इसको ऐड करो, इसमें प्लस वन करो, देन डिवाइड बाय टू आइटम। जैसे देखिए इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 25 प्लस वन डिवाइड बाय टू, दैट इज 26 डिवाइड बाय टू, दैट इज 13। सॉरी, मैंने ये वैल्यू ले ली, सॉरी वैल्यू नहीं आएगी, सॉरी ये 12 एंड 13, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4, हमें तो पोजिशनल लेवल लेना है, 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7, सो 7 प्लस 1 एंड दैट वुड बी 8 डिवाइड बाय 2, दैट इज फोर्थ आइटम, दैट इज फोर्थ आइटम वुड बी द मीडियन। दैट मीन्स इन दिस केस आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर दैट वुड बी 13। ओके, मैं फिर से फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, इन द केस ऑफ ऑड नंबर, अगर ऑड सीरीज हुई सो हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या निकालनी है, पोजिशनल एवरेज निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू आइटम और टर्म, ठीक है। इन द केस ऑफ इवन सीरीज हाउ टू कैलकुलेट मीडियन, एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म, एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज।
Actually, I forgot to tell one important point here. In the case of median, before applying any formula, the first step is to, that is, you need to arrange your series either in ascending order or in descending order. Means कोई एक chronological order होना चाहिए, चाहे वो ascending हो चाहे वो descending हो. Because यहाँ पर हम position कर रहे हैं. अब position देखो 1, 2, 3, 4, 5 होती है. ऐसे तो होता नहीं कि पहले 2 आएगा फिर 5 आएगा फिर 4 आएगा, ऐसा तो होता नहीं है. ठीक है, तो पोजिशन जैसे करते हैं आपकी सीरीज जो है या तो इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वो आपकी मर्जी है कैसे भी कर सकते हो. ठीक है, आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, सो कीप इन माइंड द फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट मीडियन इज टू अरेंज द सीरीज इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट सीरीज दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में भी आपका देखिए फॉर्मूला सेम ही है, दैट इज एन प्लस वन डिवाइड बाय टू टर्म. इसको हम छोटे से एग्जांपल के साथ कर लेते हैं. रीड क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर होमवर्क. रीड क्वेश्चन नंबर 11. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन. इनकम इज गिवन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज गिवन. नाउ अब आपको पता है मीडियन का मतलब क्या, दैट इज द पोजिशन लेवरेज. दैट मीन्स अब पोजिशन से कैसे निकालोगे. देखिए इसमें तो कोई पोजिशन है ही नहीं, तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप भी क्या बताया, दैट मीन्स वी ऑलवेज फर्स्ट अरेंज द डेटा और सीरीज इन टू इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. बट दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज. अब इसमें कैसे लेंगे. फॉर दिस वी नीड टू कैलकुलेट दी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. आई रिपीट, इन द डिस्क्रीट सीरीज टू अरेंज द डेटा इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वी नीड टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. देखिए कैसे करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. सो फर्स्ट देखिए इसको कैसे करेंगे. जस्ट मिनट, आई थिंक. अच्छा, इनकम आपकी यहाँ देखिए, इनकम दैट इज़ ये क्या आपका एक्स हो जाएगा एंड ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज़ फ्रिक्वेंसी. अब इनकम आपको जो है या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो. ठीक है, तो इनकम का मैं जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ. सो फर्स्ट वुड बी 180, 100, 150, 180, 200 and 250. उसी के हिसाब से हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख लेंगे. सो फर्स्ट आई एम राइटिंग इनकम. यहाँ मैं लिख देता हूँ अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, देन वी विल राइट नंबर ऑफ पर्संस. ये आपकी दो टर्म हैं एंड इन दिस केस वी विल टेक, ये आपका हो जाएगा दैट इज एक्स एंड ये हो जाएगा आपका एफ. ओके, अब मैं अरेंज कर रहा हूँ. सो यहाँ फर्स्ट क्या है, दैट इज 80, देन 100, देन 150, देन 180, देन 200 एंड देन 250. एंड हमेशा देखना फ्रिक्वेंसी आपको ध्यान से रखनी है. तो हमें देखना है 8 के ऑपोजिट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, दैट इज 16 है, देन 24, 26, 30, 20 एंड 6. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में दैट मीन्स ऐड करते रहो. 16, 40, 66, 96, 106, सॉरी 116, 116 एंड 122. ओके, बस आपको ऐड करते जाओ. ये 40 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ऐसा सबको ऐड करते जाओ, दैट्स इट. ओके, अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, देखा आपको मीडियन का. मीडियन का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया, दैट इज एन प्लस वन डिवाइड बाय टू टर्म. ठीक है, अब एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज द टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना है, दैट इज 122. देखिए लास्ट 122 आया,
plus 1 divided by 2. So that is 123 divided by 2. So it's 61.5 term. अब कैसे करना है हमें कैलकुलेट, यहाँ पर हमें मीटिंग कैसे करना है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए. देखिए 61.5 टर्म आपके लाई का कर रहा है, आपके लाई का करना है. देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग देखिए वो लाई करेगा आपका यहाँ पे. देखिए 61.5 आइटम तो यहाँ ही लाई करेगा. देखिए ये तो 16 है, ये 40 है, 61.2 कहाँ लाई करोगे, यहाँ करेगा, इसके बाद तो कहीं आएगा नहीं. ठीक है, सो इन दिस केस इसके अपोजिट देखिए इनकम के लिखे दैट इज 150, सो 150 वुड बी दी फाइनल आंसर और मीडियन. ठीक है, सो इन दिस केस मीडियन वुड बी 150. दैट्स इट. दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट यू नीड टू अरेंज द सीरीज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, एंड देन यू नीड टू राइट द करेक्ट फ्रिक्वेंसी, मीन्स जिसके अपोजिट में जो थी वही लिखनी है. एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. उसके बाद आपको देखना है कि जो मेजर जो आपकी एवरेज जो पोजिशन जो एवरेज आ रही है वो कहाँ पर लाई कर रही है. ठीक है, वो दिख कहाँ दिखनी है आपको, दैट इज आपको दिखनी है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की हेल्प से. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज. देखिए कंटिन्यूस सीरीज आपको अच्छे से पता है, हम कंटिन्यूस सीरीज कब, जब डेटा हमारे पास लार्ज वॉल्यूम होता है देन वी ऑलवेज गो फॉर कंटिन्यूस सीरीज. ओके, अब इसमें आपका मीडियन कैलकुलेट करने के आपके दो स्टेप होते हैं, सॉरी स्टेप तो तीन होते हैं. फर्स्ट वन इज दैट इज ऑलवेज दैट यू नीड टू अरेंज डेटा, या तो आप इसको असेंडिंग में कर लो या तो आप इसको डिसेंडिंग में कर लो. तो फर्स्ट स्टेप हो गया. एंड द सेकंड वन इज दैट इज यू नीड टू अप्लाई फॉर्मूला फॉर द मीडियन, दैट इज यहाँ पर आपका एन बाई टू आइटम, दैट्स इट. एन प्लस वन ही होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा n बाई टू. ठीक है, अब इसके बाद आपका जो है मेनली जो मीडियन निकालना है, यानी कि कहाँ पर लाई कर रहा है. जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हमने 61.5 निकाल लिया, ठीक है, हमने देखा लाई का कर रहा है, दैट इज़ 150 पर लाई कर रहा है, तो हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया. बट यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये यहाँ पर कंटिन्यू सीरीज होगी. जैसे मैं अगर मैं इसी फॉर्मूला बात करूँ, मान लो यहाँ पर लिखा होगा कि 100 टू 150, तो इसके लिए भी निकालना पड़ेगा कि 100 टू 150 में एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू आई है, एवरेज क्या ही है. तो इसके लिए आपको फिर से एक और फॉर्मूला निकालना, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेटिंग मीडियन. ठीक है, ये आप किससे निकालते हो, फॉर द पोजीशन निकालने के लिए कर रहे हो. बट जब इन एब्सोल्यूट टर्म में निकालते हो, वो कैसे निकालते हैं, लोअर टर्म प्लस एन बाय टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय एफ इनटू में आई. दिस इज द फॉर्मूला. आई होप यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस बिकॉज यू हैव डन इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. कोई नहीं, अगर नहीं समझ आएगा तो अब ये आपको समझ आ जाएगा. चलिए हम इसका डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं. रीड क्वेश्चन नंबर 12. गिवन द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द मीडियन मार्क्स, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग 60 और मोर मार्क्स. मार्क्स क्यों आपको 0 टू 25, 25 टू 50, 50 टू 75, 75 टू 100. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन आपको 30, 50, 80 एंड 40. ओके, अब देखिए कंटिन्यू सीरीज है, ये तो आपकी देखिए अरेंजिंग में होता ही है, तो उसको तो आपको डेटा को अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है. इसमें तो आपको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है. देखिए अरेंज करने की कब जरूरत होती है, मान लीजिए अगर पहले लिखा होता 50 टू 75, फिर लिखा होता 25 टू 50, फिर लिखा होता 0, तब आपको इस केस में निकालना. बट ये पहले से आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है. ठीक है, सो इस केस में हम जो है पहले डेटा को अरेंज नहीं करेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी अरेंज है. सो
पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। पहले हमें क्या गिवन है, दैट इज मार्क्स, फिर आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स कैसे गिवन है आपको 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75 and then 75 to 100। ओके, मेरे पास क्वेश्चन बुक रखी हुई है सो मैं उसमें से क्वेश्चन देख रहा हूँ, 50, 80 and 40। ओके, एंड द नेक्स्ट टर्म वुड बी सेम, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। कैसे करना है, पहले इसमें 30 प्लस 50 दैट इज 80, 80 प्लस 80 दैट इज 160, 60 प्लस 40 दैट इज 200। ओके, अब हमको क्या करना है, दैट इज़ हमें पहले पोजिशन एवरेज निकालनी, दैट इज़ द मीडियन वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, एन बाई टू आइटम। सो टोटल नंबर फ्रिक्वेंसी कितनी, दैट इज 200 डिवाइड बाई टू, दैट इज 100 आइटम। अब देखना है आपको वो लाई कहाँ पे कर रहा है, वो आपको देखिए यहाँ पे लाई कर रहा है, वो आपको यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। बट इन दिस केस हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, हम ये तो लिख सकते थे कि मीडियम जो है 50 to 75 ऐसे लिख नहीं सकते, हमें तो एक एब्सोल्यूट टर्म चाहिए। सो फॉर दिस वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पर कैसे निकालें मीडियम। देखिए मैंने ऊपर क्या है, लोअर टर्म, लोअर टर्म फॉर दिस, तो लोअर टर्म क्या है, दैट इज 50। देखो 50 के लोअर टर्म एंड द हाई टर्म दैट इज 75, हमें लोअर टर्म लिखनी है इसमें। 50 प्लस एन बाई टू आइटम कितनी है 100, माइनस फ्रिक्वेंसी कैसे लिखनी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इससे पहले वाली कितनी थी, इससे पहले वाली दैट इज 80 डिवाइड बाय करंट फ्रिक्वेंसी, इसी के साथ में लिखनी है, दैट इज 80 इंटू में आई का, दैट इज दी डिफरेंस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दैट इज 25। ओके, सो बस हमें यही कैलकुलेट करना है, 50 प्लस ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाय 80 इंटू में 25, ये हो जाएगा 1/4। ओके, ये तो पॉइंट में आएगा, सो 50 प्लस 6.25, सो हमारे पास वैल्यू ही दैट इज 56.5। नाउ दिस दिस वुड बी फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, ये मीडियन टर्म है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। जस्ट अ मिनट, अच्छा सॉरी, इसमें लिखा है कंप्यूट मीडियन मार्क्स, हमने ये तो निकाल लिया 56.5, बट दे हैव आस्क्ड वन मोर थिंग, फाइंड आउट दी प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग 60 और मोर मार्क्स। दैट मीन्स हमें निकालना है कितने स्टूडेंट्स ने जो है 60 और मोर मार्क्स ने गेन किए हैं। देखिए 60 और मोर मार्क्स देखिए कहाँ पर लाई कर रहा है, देखो वो यहाँ पर लाई कर रहा है, देखो ये सही तो है ही, 40 पूरा तो आएगा, बट इस केस में कुछ प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा हमें, बिकॉज यहाँ पर 50 to 75 है, नॉट 60 to 75। ठीक है, तो हम इसको इसको हमें रेशो में डिवाइड करना होगा। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिख लेते हैं प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन 60 और मोर मार्क्स। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, देखिए 40 तो है ही, हम यहाँ देखिए क्वेश्चन में देखिए 40 था ही, यानी कि 40 स्टूडेंट्स के 75 टू 100 के बीच में लगा रहे हैं, दैट मीन्स मोर देन 60 तो है ही। अब मेनली हमें इसको प्रोपोर्शन करना है, कैसे करेंगे, देखिए 40 तो है ही प्लस 80 मार्क्स हैं, ठीक है, देखिए 75 टू 100 दैट मीन्स 25, बट हमें कितने चाहिए 15 स्टूडेंट्स के, मैं फिर रिसीव कर देता हूँ,
डिफरेंस कितना है 25 का है, हमें चाहिए ओनली 62 75 के बीच में, सो हमें 15 मार्क्स का डिफरेंस ये मिले, तो बाय के 10 का तो चाहिए नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रपोजन कर दिया इसको, ठीक है। सो बस इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, सो ये आपका आ जाएगा 3 5 16, सो 40 + 48 दैट इज़ इक्वल टू 88, दैट मीन्स 88 स्टूडेंट्स गॉट मोर देन और इक्वल टू 60 मार्क्स, ओके। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन इन ऑल दिस टाइप्स ऑफ सीरीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ एन इज 100 एंड द मीडियन इज 30। दैट मीन्स इन दिस प्रॉब्लम मीडियन इज ऑलरेडी गिवन टू यू, दैट इज 30, एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो गिवन दैट इज 100। सो हमें क्या निकालना है, दैट इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मार्क्स गिवन आपको 0 to 10, 10 to 20 एंड द लास्ट वन इज 50 to 60। सो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो ये जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, हमें यहाँ पर जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट लेट मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। पहला आपको गिवन है दैट इज मार्क्स एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स गिवन आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, ओके। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन, देखिए यहाँ पे कितने गिवन आपको 10। अब नेक्स्ट वाले आपको क्या है मिसिंग है, तो लेट एक्स इन दी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, देन 25 30, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज़ गिवन है, आपको टोटल गिवन है आपको कि दैट इज 100, ये गिवन आपको, ठीक है। लास्ट टर्म आपको कितनी गिवन है, दैट इज 10, ठीक है। तो देखिए ये अगर 10 है तो यहाँ पर भी आपका जो है ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अच्छा हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कर ही लेते हैं इसको भी, ये कितना है 10 10 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स, 65 प्लस एक्स, ठीक है। लास्ट तो 100 ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 10 लिखा हुआ, दैट इज ये तो 90 आएगा, ये तो 90 ही आएगा। सो दैट मीन्स इन दिस केस आपका यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, देखो अगर आप ये करोगे माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 25 माइनस एक्स। आपको रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 25 माइनस एक्स। तो बस पहले तो हमें देखिए फर्स्ट वही स्टेप लेके चलना है, फर्स्ट वन इज़ टू कैलकुलेट दी पोजिशनल एवरेज, दैट इज एन बाई टू टर्म, ये कितना आ जाएगी, दैट इज 50th टर्म आ जाएगी आपकी, अब 50th टर्म आपकी लाई कहाँ करेगी, यहाँ से देखिए यहाँ तो लाई करेगी नहीं, यहाँ पर लाई नहीं करेगी, यहाँ पर लग कर सकती है थर्ड वाले में, ठीक है, थर्ड वाले में लाई कर सकती है, थर्ड वन में, थर्ड वन में कर सकती है, बट हम रिस्क नहीं लेंगे, तो फोर्थ वाली हम कर लेते हैं, दैट इज दिस वन, ओके। सो इस केस में आपका देखिए रियल जो मीडियन निकलेगा कैसे निकलेगा, लोअर वैल्यू दैट इज 30 प्लस एन बाई टू दैट इज 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है वो 35
प्लस सॉरी भी माइनस हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, करंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 30 प्लस कितना हो जाएगा ये 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 30 इंटू में 10, राइट। सो जस्ट हमें हमें बस एक्स निकालना है, सो दैट वुड बी 30 है, यस। वेट इसमें आज आपको मीडियन गिवन था ना आपको, हाँ जी यस मीडियन गिवन आपको 30 ऑलरेडी गिवन है, ये तो 30 ऑलरेडी गिवन है आपको। सो 30 दैट इज ये तो जीरो ही हो जाएगा यहाँ पर आके, ठीक है। सो रह क्या गया 150 माइनस 10x डिवाइड बाय 30 इक्वल टू जीरो। सो 150 माइनस 10x इक्वल टू जीरो, सो 150 इक्वल टू 10x, सो x वुड बी 15, x वुड बी 15। सो अगर यहाँ पर x 15 आया है, ठीक है, अभी यहाँ पर वैल्यू रखी, देखिए यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो फिर यहाँ पर आपका देखिए 10 तो कितना देखिए 15 25 30 ये 10 एंड 100, टोटल 100 आ रहा है, 40 50 यस 100 आ गया, ओके। सो एक्स वुड बी यस, ठीक है। सो दिस इज दी मिसिंग वैल्यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन राइट ऑन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पर लिख सकते हो और इधर विल डिस्कस इन द लाइव लेक्चर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, that is related to next concept that is called mod. So now let's do another topic, that is mod. देखिए अभी तक हमने दो एवरेज पढ़े हैं, फर्स्ट वन इज दैट इज अर्थमेटिक मीन एंड द सेकेंड वन इज दैट इज मीडियम। अर्थमेटिक मीन सिंपल होता है, हम बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं, ठीक है, और बहुत सिंपल भी होता है। एंड मीडियन में देखा जाए हाउ टू कैलकुलेट मीडियन विद द हेल्प ऑफ पोजिशनल, ओके। नाउ मोड, मोड में का मतलब क्या होता है कि मोड का नाम अगर देखें दैट इज दी हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, रिपीट इट सेल्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। लेट से अगर मैं कोई सीरीज देखूँ 2, 4, 5, 2, 0, 4, 5, 3, 9, 8, 2, 1, ये लिखा मैंने, अब ये सीरीज है, आपको यहाँ से मोड निकालना है, तो मोड में देखना है आपको कि कौन सा नंबर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितनी बार रिपीट हुआ है। सो इस केस में देखिए 2 सबसे रिपीट होते, देखिए 1, 2, 3 तीन बार रिपीट हुआ है, और भी कोई नंबर रिपीट हुआ है, 4 टू टाइम्स हुआ है, 5 भी टू टाइम्स हुआ है, 0 एक बार है, 4 टू टाइम्स, 3 एक वन टाइम, 9 एक, ठीक है। सो 2 वुड बी दी फाइनल आंसर। सो यहाँ पर देखना है कि कौन सा नंबर जो है कितनी बार, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है या जिसकी सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है, दैट वुड बी दी मोड। ईजी है बट समटाइम्स देर इज ट्रिकी। ट्रिकी क्या है, मान लीजिए
ट्रिकी तब होता है, मान लीजिए कोई दो नंबर है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक वैल्यू और लिख देता हूँ, सपोज 4, तो यहाँ पर 4 भी देखे तीन टाइम्स रिपीट हो गया, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। देखो दोनों में से दो तो हो नहीं सकते, वैल्यू तो हमें एक ही चाहिए, ठीक है, वैल्यू तो एक हमें एक ही चाहिए, या तो 2 होगा 4 होगा। तो उस केस में हमें जो है टेबल को एनालाइज करना पड़ेगा, दैट मीन्स विद दी वी हैव टू मेक एनालाइज टेबल, ठीक है। सो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे करना है, पहले हम इसके कुछ सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। सो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट मोड इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। कैसे करना है, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी इंडिविजुअल सीरीज। अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज तो हमने कर ही लिया, ये जो हमने किया है ये इंडिविजुअल सीरीज का ही है आपका, तो ये तो आप इजिली कर ही लोगे ना। कम टू दी डिस्क्रीट सीरीज, सब क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको अपना खुद का एक एग्जांपल देता हूँ मोड में। ऐसा देखो मोड में क्या होगा, मैंने क्या बताया, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी लेवल देखना आपको, ठीक है। अब मैं अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज का अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करना है आपको। सपोज यहाँ पे मार्क्स गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, मार्क्स गिवन आपको सपोज 28, 29, 30, 31, 32, 33, नंबर ऑफ पर्सन गिवन आपको यहाँ पर 10, 20, 40, 65, 50 एंड 15, ओके। सो मैंने आपको बताया मोड में देखना, दैट मीन्स यू ऑलवेज नीड टू फाइंड आउट दी मैक्सिमम और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर अलाई कर रही थी, यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी किसकी, 65 की। सो मोड आंसर क्या रहेगा, दैट इज 31, दैट्स इट, बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कवर करता है, बहुत रेयर केस आ जाता है। वैसे तो देखिए लाइक मैं आपको पहले ही बताता हूँ, नॉर्मली एग्जामिनर बेसिकली डोंट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट आई थिंक एट दिस लेवल यू शुड नो ऑल अबाउट दिस। होता क्या है, सपोज वी हैव 2-3 नंबर दैट आर वेरी क्लोज, दैट आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज इन द सेंस दैट मीन्स वी ऑलवेज नीड टू फाइंड आउट मोड विद द हेल्प ऑफ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मान लीजिए 2-3 मार्क्स के कुछ ऐसे हैं जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द हाइट ऑफ 100 पर्सन्स इन अ कमर्शियल कंसर्न डिटरमाइन द मॉडल हाइट। हाइट आपको गिवन है इन इंचेस में, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन आपको 4, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6, 2, 1। अब देखिए यहाँ पर ये जो तीन है ना, दैट इज़ ये वाले देखो 20, 22 एंड 24, दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऑल्दो वी कैन सी दैट वेरी वेल दैट द हाईएस्ट वी कैन सी दैट इज 24। तो आप बोलोगे सर आंसर तो सीधे से 65 आ जाना चाहिए, येस यू आर राइट, बट द थिंग इज मैंने आपको बताया दैट वेन एवर वी हैव फ्रिक्वेंसी, आपकी जो फ्रिक्वेंसी मान लीजिए बहुत क्लोज हैं, ठीक है, डिफरेंस जो है उनमें बहुत कम है, इन दैट केस वी नीड टू अप्लाई अनदर मेथड विच इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग टेबल। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग टेबल वी नीड टू एनालाइज वट वुड बी द एग्जैक्ट मोड, ओके। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस किए उसको बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14, पहले गिवन है आपको हाइट, फिर नंबर ऑफ पर्सन गिवन है हमें, नंबर ऑफ पर्सन से देखें, मैं लिख रहा हूँ कॉलम नंबर वन। देखिए कैसे करना आपको, 50, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 68 एंड 70. मार्क्स गिवन आपको पर्सन नंबर ऑफ पर्सन सॉरी कॉलम इसको कॉलम नंबर वन में लिखेंगे 4, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6, 2 एंड 1. ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग लिख देना. यहाँ पर हम क्या क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ग्रुपिंग टेबल बनाई है मैंने, ग्रुपिंग टेबल. इसको हम कॉलम हम कितने बनाएंगे, अप टू 6 तक ले जाएंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6. घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से लिखना है आपको. पहले क्या करना है आपको, यू नीड टू कैलकुलेट दी, पहले आपको सबमिशन करना है ऐसे, फर्स्ट टू का देन ऐसे ऐसे आपको सबको प्लस करना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है आपको, 4 + 6 दैट इज 10, 5 + 10 दैट इज 15, 20 + 22 दैट इज 42, 24 + 6 दैट इज 30, 2 + 1 दैट इज 3. इसको भी हमें ऐड करना है. इसके बाद क्या करना है, इनमें से यानी सेकंड कॉलम में जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उस पर आप सर्कल कर लीजिए. जैसे देखिए इन पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 42. अच्छा, इसमें सबसे हाईएस्ट फिगर किसकी है, दैट इज 24. सर्कल कर लिया हमने इसको बस. ठीक है, थर्ड में क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, थर्ड में क्या करना है, फर्स्ट को स्किप करके नेक्स्ट टू का आपको प्लस करना है, देन इसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे एंड देन फाइनली इनको ऐड करेंगे. ठीक है, तो इसका देखिए क्या आ जाएगा, दैट इज 11, 13, 46 एंड देन 8. अब इसमें हाई फ्रिक्वेंसी नंबर कौन सा है, दैट इज 46. सर्कल दिस. नाउ कम टू दी नेक्स्ट कॉलम, दैट इज कॉलम नंबर 4. अब कॉलम नंबर 4 में क्या करना है, बेसिकली आपको यू नीड टू ऐड फर्स्ट 3 नंबर्स, देन नेक्स्ट 3 एंड देन नेक्स्ट 3. ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या जाएगा, देखिए 4 + 6 + 5 दैट इज 15, 10 + 20 + 22 दैट इज 52, 24 + 6 + 6 दैट इज 32. हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी वाली कितनी है, दैट इज 52. सर्कल दिस. देन स्किप द फर्स्ट नंबर एंड ऐड नेक्स्ट 3 डिजिट. So 6 + 5 + 11 that is 21, 20 + 22 + 24 that is 66, 6 + 2 = 1 that is 9, highest value that is 66. And then in last column number 6, first skip first two digit number, first two digit ko skip karke next 3, then next 3. इंक्वायर करेंगे, दैट इज 5 + 10 = 20 दैट इज 35, 20 + 24 + 6 दैट इज 52. सर्कल दिस वैल्यू. दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग द ग्रुपिंग टेबल. ये आपका फर्स्ट मेथड है. मैं कैसे बता रहा हूँ, ग्रुपिंग टेबल आपको कब करनी है, जब मोड में आपकी जो वैल्यूज़ हैं हाई फ्रिक्वेंसी जो कुछ क्लोज हैं. ठीक है, तब आपको कहते हैं ग्रुपिंग टेबल करना है, अदरवाइज नहीं करना. इसके बाद ये आपका क्या करना, आपको यू नीड टू
make another table that is called analyze table. That means what you have found from the above table उसको analyze भी करना है. कॉलम नंबर 58 मार्क्स लिख रहा हूँ मैं, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 and 70. कॉलम कितने हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से देखना है कैसे करना है. आपको देखना है कि हाईएस्ट जो आपकी सर्कल की है उसको देखना है. 24 देखिए फर्स्ट कॉलम है तो 24 हाईएस्ट है. उसके मार्क्स कितने हैं, सॉरी मार्क्स नहीं है, हाइट है. देखिए इसके देखना है इसके कोरस को कहते हैं कोरस्पोंडेंस में कौन सी वैल्यू कितनी है. ठीक है, तो इसके कोर्स में कितनी वैल्यू, दैट इज 65. तो यहाँ पर बस लिख दो 1. देन हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है, 42. नेक्स्ट कॉलम में 42 कैसे आया था आपका, समेशन ऑफ समेशन आपका आया था 20 और 22 का, मिडल ऑफ दिस वैल्यू आया था आपका. ठीक है ना, मिडल ऑफ दिस वैल्यू, देखिए मिडल टर्म आई है यहाँ पर. ठीक है, तो देख लीजिए 63 और 64 दोनों में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 कर देंगे. ठीक है, सेकेंड कॉलम में प्रॉपर लिखते हैं इसको 1 and 1. देन नेक्स्ट हाई फ्रिक्वेंसी कितनी, दैट इज 46. 46 किसका समेशन आया था, 20, 22 and 24. सो इस केस में किसके कोरस्पोंडेंस में ये वैल्यू, तो 64 हो जाएगा यहाँ पर, 64. कॉलम नंबर 3 का नहीं, सॉरी 46 किसका समेशन था, 22 and 24. सॉरी आपको समेशन देखना है, 46 किसका समेशन था आपका, 22 and 24. तो दोनों में 1 लिखना होगा, 64 and 65 दोनों में 1 लिखना है. देन नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू कितनी, 52. 52 किसका सम था, 52 सम था 10, 20 and 22. सो दैट मीन्स ये सब में आपको 1 1 आएगा आपका, 62, 63, 64. ओके, देन कॉलम नंबर 5, 66 किसका समेशन था आपका, 20, 22 and 24. दैट मीन्स समेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यू, 63, 64, 65. एंड देन लास्ट वन इज 52. 52 कैसे आया था, 52 आया था समेशन ऑफ 22, 24 and 66. तो ये आएगा 64, 65 and 66. बस अब आपको टोटल करना है सबका, लेकिन समय कोई भी बन नहीं है, 0, 0, 0, 1, 3, 5, 4, 1, 0, 0. बस अब देखना है पर आपकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी, दैट इज 5. सो दैट इज इसके कोरस्पोंडेंस में कौन सा हाइट, दैट इज 64. सो रियल जो मोड आया है वो कितना है, दैट इज 64. अब बता देखिए एज पर जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तब आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी, दैट इज 24. उसके कोरस्पोंडेंस में कौन सी हाइट है, दैट इज 65. वो आपका गलत हो जाता है, वो आपका गलत हो जाता है. सो दैट मीन्स आपको यहाँ पर फाइनल आंसर, दैट इज 64. ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए. जब नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दिखनी है, दैट्स इट. बट व्हेन दी नंबर लाइक जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, एंड उसके आपको देखना है आसपास कोई वेरी क्लोज फ्रिक्वेंसी है या नहीं है, है देन यू नीड टू अप्लाई ग्रुपिंग टेबल एंड देन यू टू एनालाइज दी ग्रुपिंग टेबल. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. दिस इज अ कंटिन्यूस सीरीज एंड वी हैव फ्रिक्वेंसी. अब आप फ्रिक्वेंसी देखो, ध्यान से देखो, आप यहाँ पर भी आपके अगेन जो तीन फ्रिक्वेंसी, दैट इज 22, 22 एंड 24, दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर.
दीज आर वेरी क्लोज टू इट्स, सो इस केस में क्या करना, अगेन वी नीड टू अप्लाई ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। सो इसका मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा बिकॉज ये होमवर्क आपको क्वेश्चन में आ जाएगा। आपको मैं आपको करना क्या है सीधे सीधे मैं कर देता हूँ, आपको मेथड आपको यही सेम अप्लाई करना है, दैट मीन्स पहले आपको ग्रुपिंग टेबल करनी है, एनालाइज टेबल करनी है, लास्ट में क्या करना है आपको, इन द वेरी लास्ट यू नीड टू अप्लाई वन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोड, बिकॉज यहाँ पर आपको ये एग्जैक्ट फिगर है या फिर कंटिन्यू सीरीज में नहीं है। मान लीजिए अगर आपके 62-65 आई, जैसे हमने मीडियन में करा था, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पर आपका एल प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। डेल्टा वन दैट इज़ दी करंट फ्रिक्वेंसी, डेल्टा टू दैट इज सॉरी करंट फ्रिक्वेंसी माइनस प्रीवियस फ्रिक्वेंसी, एंड डेल्टा टू क्या होता है करंट फ्रिक्वेंसी माइनस नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी। आई रिपीट, डेल्टा वन इक्वल टू करंट फ्रिक्वेंसी माइनस प्रीवियस फ्रिक्वेंसी, एंड डेल्टा टू इक्वल टू करंट फ्रिक्वेंसी माइनस नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी, ओके। बस आपको यही करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सो दिस वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक ऑल्सो, यस। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इन एन एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द मोड एंड मीडियन आर 20 एंड 24 रिस्पेक्टिवली एंड वी नीड टू लोकेट मीन। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए एग्जाम में आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सो ऐसे ही के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको पेपर आपका बहुत ईजी आएगा, टफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। जितना आपको टफ लग रहा है उससे मैं बोल रहा हूँ लाइक आपका लाइक 80% बहुत ज़्यादा ईजी आएगा। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, आई एम वेरी श्योर यू विल से दैट सर दिस इज़ वेरी 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 इजी पेपर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड, दैट इज व्हाट इज एसिमेट्रिक। सी, वेन एवर वी कलेक्ट डेटा, वी कलेक्ट डेटा इधर लाइक आफ्टर दी आफ्टर कलेक्टिंग डेटा इधर वी हैव सिमेट्रिक डेटा और वी हैव एसिमेट्रिक डेटा। मतलब क्या है, देखिए हमेशा डेटा आता है आपका बेल शेप कर्व में आता है, ऐसे आएगा, ठीक है। इस केस में कहता है जब आपकी मिडिल वैल्यू होती है, यहाँ पर होता है आपके मीन मोड मीडियन तीन होते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसको बोलते हैं हम लेफ्ट टेल्ड, इसको बोलते हैं राइट टेल्ड, मतलब जब जो टेल है ना इसकी ये राइट शिफ्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट टेल्ड, ये होता है। या फिर इन दोनों को हम बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट को, दोनों को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक, ठीक है, एंड इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक। मतलब क्या, सिमेट्रिक इन द सेंस वेयर मीन मोड एंड मीडियन थ्री ऑफ देम आर इक्वल, मीन मोड एंड मीडियन ऑल ऑफ देम आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इफ एनी वन ऑफ देम इज अनइक्वल दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज यू आर डूइंग रिसर्च, सपोज ऑन मार्केटिंग, ऑन डिजिटल मार्केटिंग, लाइक सपोज आपने एक स्केल में, ठीक है ना, एक स्केल में आपने किसी से आपने सजेशन पूछा, सजेशन नहीं, सपोज लाइक वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस और नॉट, लाइक सपोज लेट्स टेक अबाउट एग्जांपल ऑफ ए फ्लिपकार्ट, ठीक है। आपने देखा कि भी लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर बेसिकली सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ फ्लिपकार्ट। आपने एक लिकर्ट स्केल पे करा, सपोज फ्रॉम 1 to 5, अगर मान लीजिए सब ने 3 पे क्लिक किया हो, 3 पे सब ने 3 लिखा, एवरेज है, सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक,
बिकॉज आपका यहाँ पर रहेगा 3, देखिए यहाँ पर बेसिकली यहीं अलाई करेगा, ठीक है। बट अगर मान लीजिए सब ने करा, सबके सब ने क्लिक किया 4 या 5, तो आपका बेसिकली ये डेटा बनेगा, या फिर सब ने क्लिक किया 1 या 2, तो आपका डेटा ये बनेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स सिमेट्रिक मीन्स, दैट मीन्स जो आप सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सबका सेम है, सबका ही सेम है, ठीक है ना। मीन्स ना तो राइट शिफ्ट है ना ही वो लेफ्ट फॉरवर्ड शिफ्ट है, मिडल में है। सो दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक डेटा। सो इन शॉर्ट सिमेट्रिक डेटा मीन्स वेयर मीन मॉड एंड मीडियन ऑल ऑफ देम आर इक्वल। अब आपने तीनों टर्म पढ़ लिया कि कैसे मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इस केस में वेन एवर वी हैव ए सिमेट्रिक डेटा, ए सिमेट्रिक डेटा, वी ऑलवेज नीड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन। हमें एक रिलेशन मेंटेन करना, डिफाइन करना पड़ेगा, लाइक व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम। सो उसके लिए हमें एक और फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस थ्री, माइनस टू मीन, सॉरी माइनस टू मीन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल करना है जब डेटा हमारे पास कौन सा हो, ए सिमेट्रिक डेटा हो या ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, आपको दो फिगर गिवन, आपको क्या क्या गिवन, आपको आपको गिवन है मोड एंड मीडियन, दैट इज 20 एंड 24। ये है 20, ये है 24, हमको निकालना है मीन। 20 इक्वल टू 52 माइनस 2 मीन, सो 2 मीन इक्वल टू 32, मीन इक्वल्स टू 16। सो मीन कितनी वैल्यू लेगी, दैट इज 16। सो ये जो फॉर्मूला है ये क्या डिफाइन करता है, दैट इज़ दी रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। और ये कब रिलेशनशिप का डिफाइन करता है, व्हेन वी हैव ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और ए सिमेट्रिक डेटा। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दी फर्स्ट 3 एवरेज, दैट इज मीन मॉड एंड मीडियन। सो इन नाउ वी हैव लेफ्ट ओनली 2 टाइप्स ऑफ एवरेजेस, दैट इज जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, एंड दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।